वेलकम बैक चैंप्स। और अगर आप अभी द साइबर चैंप्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी एक चैंप बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू स्टूडियो कोड की टॉप 10 एक्सटेंशंस के बारे में। तो आइए चलते हैं अपनी पहली एक्सटेंशन की तरफ। सो हमारी पहली एक्सटेंशन आज की है नंबर 10 के ऊपर, बेटर कमेंट्स। द बेटर कमेंट्स बेस्ड कोड एक्सटेंशन एनहांसेस कोड रीडेबिलिटी बाय अलाउइंग यू टू कैटेगराइज एंड कलर कोड कमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस और पर्पस। तो ये एक्सटेंशन क्या करती है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमें जो कमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे HTML, CSS, JavaScript, Python, उन तमाम लैंग्वेजेस के कमेंट्स को हमें कलर कोड करने और उनको बेसिकली कैटेगराइज करने के लिए हमें एनहांस करती है कमेंट्स की जो होती है कैपेबिलिटी VS कोड के अंदर, तमाम लैंग्वेजेस के अंदर। तो अभी इसको देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। अगर हम देखें, हमारे पास CSS की फाइल है और इसके अंदर कुछ कॉमेंट ऐड किए हैं। तो ये बिल्कुल ग्रीन कलर के अंदर जो बेसिक थीम कलर का है, इनमें मुख्तलिफ कॉमेंट्स को हम एक कॉमेंट के अंदर मुख्तलिफ लाइन्स को डिफरेंट कलर, हम अभी हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है वो करने की। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइड पैनल से हम एक्सटेंशन चूज करें और देन यहाँ पे हम सर्च बार के अंदर लिखें बेटर कॉमेंट्स, तो हम इसको यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद अगर हम अपने फाइल पे वापस आए तो अब हमारी फाइल के अंदर हमारा जो कमेंट था, जो कि बेसिकली पहले प्लेन था, जस्ट ब्लू कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर था, अब उसके एक हर लाइन के ऊपर मुख्तलिफ कलर ले लिया है, जो कि हम अब देख सकते हैं कि ये अलर्ट के लिए है, ये क्वेश्चन के लिए है, ये टू डू है आपका टास्क है, और ये सिंपल यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ सिंटेक्स है। अगर दो स्टेरिक होंगे दरम्यान में स्पेस के साथ तो सिंपल कॉमेंट, इसी तरह अगर एक स्टेरिक स्पेस और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वो अलर्ट के लिए, और इसी तरह बाकी भी इस तरह यूज करते हैं बेटर कमेंट के एक्सटेंशंस को। और हम चलते हैं अपनी नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे हमारी एक्सटेंशन जो है वो है मटेरियल आइकन थीम। द मटेरियल आइकन थीम VS कोड एक्सटेंशन एड्स विजुअली अपीलिंग आइकन्स टू फाइल एंड फोल्डर नेम्स इन द एक्सप्लोरर व्यू, इंप्रूविंग नेविगेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन योर प्रोजेक्ट। तो ये हमें जो हमारे फोल्डर और फाइल के जो आइकन्स होते हैं उनको इम्प्रूव करती है और एक हमें बेहतर फील देती है, एक अच्छा थीम बना देती है VS कोड के अंदर। इसको अब हम VS कोड के अंदर देखते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसका यूज केस क्या है। सो VS कोड के अंदर अगर हम फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर यहाँ पे देखें तो हमारी तमाम फाइल्स के और फोल्डर्स के यहाँ पे आइकन अभी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम एक्सटेंशन के अंदर से यहाँ से हम मटीरियल आइकन थीम की एक्सटेंशन को यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे अब हम क्या देखेंगे, अगर हम अपने फाइल एक्सप्लोरर पर जाएं तो हमारी तमाम जो फोल्डर्स हैं या हमारी फाइल्स हैं उनके साथ अच्छे अच्छे आइकन आ चुके हैं, जो कि अब हमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तमाम फाइल्स के अंदर की। ये पाइथन की है, ये HTML की है, ये JavaScript की फाइल है, इन तमाम के अब आइकन चेंज हो चुके हैं और जो कि अब बहुत बेहतर लग रहा है फाइल एक्सप्लोरर हमारा। तो मटेरियल आइकन थीम इसलिए यूज होती है ताकि अपने VS कोड की जो फील है उसको अच्छा बनाया जाए। अब चलते हैं हम अपनी एक्सटेंशन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है हमारे पास कोड स्पेल चेकर। द कोड स्पेल चेकर VS कोड एक्सटेंशन हेल्प्स कैच टाइपोज एंड इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग स्पेल चेकिंग कैपेबिलिटीज फॉर कमेंट्स एंड स्ट्रिंग्स। तो स्पेल चेकर जो एक्सटेंशन है हमारे पास, ये क्या करती है कि हमारे कोड के अंदर अगर हमने किसी चीज की स्पेलिंग की गलती की हो तो उसको बेसिकली चेक कर लेती है ताकि हमें उसकी डीबग के अंदर हमारे लिए ईजी हो जाइए। तो अब हम इसको देखते हैं VS कोड के अंदर के इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्सटेंशन के टैब पे आ जाएंगे, देन हम यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे
स्पेल चेकर, और टॉप पे जो आएगी हमारी एक्सटेंशन उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और अब हमारे पास ये एक्सटेंशन VS कोड के अंदर डाउनलोड हो गई है। और अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने कोड के अंदर आएं, किसी भी फाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आ जाता हूं यहां पे CSS के अंदर, तो मैं यहां पे क्रिएट कर सकता हूं एक, मैं यहां पे सिलेक्टर बना लेता हूं और मैं इसको एक कलर की प्रॉपर्टी देने की कोशिश करूँ अगर मैं गलत स्पेलिंग के साथ, तो क्या होगा, मेरे पास एक इधर एरर आएगा कि ये एक गलत स्पेलिंग है। और इसके ऊपर मैं जैसे ही होवर करूं तो मैं यहां से इसको क्विक फिक्स कर सकता हूं उसके करेक्ट स्पेलिंग के साथ, और मैं यहां पे प्रॉपर्टी को आगे उसकी वैल्यू दे सकता हूं। इसका आपके पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल, देन आपके पास जो आपका फुल स्टॉप का बटन है वो है। अगर मैं यहां पे गलत स्पेलिंग लिखूं इसके, और मैं कंट्रोल और फुल स्टॉप को दबाऊं लाइन के ऊपर आके, मैं यहां से उसके करेक्ट स्पेलिंग यहां से चूज कर सकता हूं। तो ये एक्सटेंशन काफी बेहतर है आपके कोड के अंदर आपको स्पेलिंग की मिस्टेक बताने के लिए, ताकि आपका कोड अच्छी तरह आप जल्दी से उसको डीबग कर सकें। अब हम चलते हैं अपनी एक्सटेंशन नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 के ऊपर हमारे पास जो एक्सटेंशन वीएस कोड के अंदर है वो है कोड रनर। द कोड रनर वीएस कोड एक्सटेंशन एनेबल्स यू टू एग्जीक्यूट कोड स्निपेट्स और कमांड्स डायरेक्टली विद इन योर एडिटर एनवायरनमेंट। तो ये हमारी एक्सटेंशन हमें क्या अलाउ करती है कि वीएस कोड के अंदर ही हम जिस तरह पाइथन या जावास्क्रिप्ट का या जावा का कोड है, तो हम उसको अपने वीएस कोड के अंदर ही रन कर पाएं। इसको हम देखेंगे अब के वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करने के लिए हम एक्सटेंशन के टैब पे आ जाएंगे, देन हम यहाँ पे लिखेंगे कोड रनर, और फर्स्ट जो हमारी एक्सटेंशन है इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। हम अब क्या कर सकते हैं कि हम अपने अगर पाइथन की फाइल के अंदर आए, हम यहाँ पे जस्ट कह सकते हैं प्रिंट, और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेते हैं। देन जैसे ही हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी तो हमारे पास यहाँ पे ये बटन यहाँ पे शो होने लग जाएगा जो कि प्ले बटन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो हमारे पाइथन कोड का आउटपुट था वो हमारे पास नीचे टर्मिनल के अंदर शो होने लग गया। तो ये बहुत इजी कर देती है एक्सटेंशन अपने कोड को रन करने के लिए वीएल स्टूडियो कोड के अंदर। बेस्ट एक्सटेंशन ये है ताकि आप अपना कोड रन कर पाए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सटेंशन के ऊपर। नंबर 6 के ऊपर जो वीएल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशन है वो है सीएसएस पीक। The CSS Peek Visual Studio Code extension allows for quick navigation and peeking into CSS definitions directly for HTML or JavaScript files. तो CSS Peek क्या करती है कि HTML की फाइल्स से हमें जावा जो अपनी CSS की फाइल्स होती हैं उनके अंदर अगर हमने HTML के अंदर उसको रिलेट किया हो CSS की फाइल को, और हमने कोई प्रॉपर्टी जिस तरह की ID या क्लास यूज की हो जिस पे हमने कोई स्टाइल अप्लाई की हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली उस पर कौन से स्टाइल अप्लाई हैं उनको देख सकते हैं। तो अभी हम इसको वीएल स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉल करके देखते हैं, देन इसको हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। सो इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्सटेंशंस के टैब पे आ जाएंगे, देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे CSSP, और फर्स्ट हमारी जो एक्सटेंशन होगी इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर वाईफाई कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन आपका टाइम भी ले सकता है और आपका बहुत जल्दी भी इंस्टॉल हो सकती है एक्सटेंशन। सो इसको जरा सा हम टाइम देंगे यहाँ पे।
सो हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम कोई ऐसी फाइल खोल लेंगे जिसके अंदर हमने कोई स्टाइल्स अप्लाई किए हों। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस क्लास के ऊपर कोई ना कोई स्टाइल्स अप्लाई होंगे, तो हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे, देन इसके ऊपर हम करेंगे होवर। अगर जैसे ही हम कंट्रोल को होल्ड करके इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये एक लिंक बन जाता है। तो इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारा जो CSS था रिलेटेड टू दैट क्लास, या इसी तरह अगर ID कोई हो तो वो डायरेक्टली CSS की फाइल के अंदर ओपन हो जाता है। तो हमें ये नहीं कि हर बार अपनी CSS की फाइल ओपन करके थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हमें सर्च करनी पड़ेंगी कि हमारी कौन सी डेफिनेशन थी जिसके अंदर हमने वो स्टाइल्स अप्लाई किए थे। जस्ट फ्रॉम द HTML फाइल आप कंट्रोल को होल्ड करें और अपनी डेफिनेशन के ऊपर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली उस स्टाइल्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सटेंशन नंबर 5 की तरफ। VS Code की एक्सटेंशन नंबर 5 हमारे पास है बुकमार्क्स। द बुकमार्क्स VS Code एक्सटेंशन अलाउज यू टू बुकमार्क स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड फॉर इजी नेविगेशन एंड रेफरेंसेस विद इन योर प्रोजेक्ट्स। तो बुकमार्क्स एक बहुत हमारे पास यूजफुल एक्सटेंशन है। ये क्या करती है कि हमें VS Code के अंदर हमारे कोड में, अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो हमारी थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो जाता है, तो हमने बेसिकली किस कोड के ऊपर वर्क कर रहे हैं या कौन सी लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमें अलाउ करती है VS Code के अंदर कि हम उस लाइन को या उस स्निपेट को हम बुकमार्क कर लें ताकि जब हम बाद में अपना कोड रिव्यू कर रहे हों तो ईजिली हम अपना जिधर हमने लेफ्ट किया था वहीं से हम दोबारा शुरू कर लें। तो अभी हम देखेंगे कि VS Code के अंदर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करने के लिए एक्सटेंशन, हम एक्सटेंशन के टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बुकमार्क्स और फर्स्ट जो हमारी एक्सटेंशन है इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसको आप इंस्टॉल होने देंगे। एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद हम अपनी किसी भी फाइल पे आ जाएंगे कोड की, देन हम क्या कर सकते हैं जब हमारे पास कोई कोड हो तो हम जिस लाइन के ऊपर हमने बुकमार्क करना हो हम उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे और यहां पे हम ऊपर टाइप करेंगे बुकमार्क्स कोलन टॉगल, विच मीन्स के यहाँ पे अब बुकमार्क कर दिया जाए इस लाइन को। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये अब लाइन यहाँ पे हमारे पास बुकमार्क हो गई है। और इसी तरह जब हम बुकमार्क के एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साइड पैनल के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक न्यू हमारे पास टैब खुल जाता है जो कि है बुकमार्क्स का, और जितने भी बुकमार्क्स होंगे ये उन तमाम बुकमार्क्स को यहाँ पे अपने करेगा। आपकी प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उनके अंदर जितने भी बुकमार्क्स होंगे तमाम यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को क्लोज करूँ, इस फाइल को क्लोज करने के बाद अगर मैं इस बुकमार्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ डायरेक्टली मैं वहां पे अपने कोड के ऊपर पहुंच जाता हूँ जिसके ऊपर मैंने बुकमार्क किया था। तो ये एक बेसिकली बड़ी अच्छी एक्सटेंशन है इस बात के लिए कि आप अपने कोड को बुकमार्क कर सकते हैं, देन उसके बाद आपने अगर वापस आना हो कोड के ऊपर तो ये आपके लिए बड़ा इजी होता है अपने कोड के लिए वापस आके अपने कोड को एडिट करना। अब हम चलते हैं अपनी एक्सटेंशन नंबर 4 की तरफ। तो एक्सटेंशन नंबर 4 में हमारे पास है ऑटो रीनेम टैग। द ऑटो रीनेम टैग VS Code एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली अपडेट्स matching HTML XML tags when one is renamed, ensuring synchronization and reducing manual effort. तो जिस तरह के HTML के अंदर या XML के अंदर दो tags होते हैं opening और closing tag, तो अगर H1 tag लगाया हो लेकिन बाद में हमने उसको change करना हो H2 के ऊपर, तो basically अब हमें दो जगह edit करना पड़ेगा H1 के opening tag में भी और closing tag में भी। लेकिन ये एक्सटेंशन क्या करती है, हमें अलाउ करती है कि अगर हम ओपनिंग टैग को जस्ट एडिट करें तो ये क्लोजिंग टैग को ऑटोमेटिकली एडिट कर देती है। तो अब इसको हम देखते हैं कि VS Code के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करने के लिए एक्सटेंशन को हम एक्सटेंशन के टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटो रीनेम
ऑटो रीनेम टैग, फर्स्ट एक्सचेंज में क्लिक करेंगे, देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसको आप इंस्टॉल होने देंगे। आफ्टर इंस्टॉल, जब इंस्टॉल हो जाएगी एक्सटेंशन, देन हम अपनी कोई भी HTML की फाइल खोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोई H1 क्रिएट कर लूँ, सो अब मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे है। अगर मैं ओपनिंग टैग को यहाँ पे एडिट करूँ और मैं H1 के बजाय H2 करूँ, तो यहाँ पे जो मेरा क्लोजिंग टैग है वो ऑटोमेटिकली एडिट हो रहा है। अब मुझे दो जगह पे एडिट नहीं करना पड़ रहा, ओपनिंग टैग के अगर मैं एडिट करता हूँ तो क्लोजिंग टैग मेरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पे H2 है, जस्ट मैं इसको पैराग्राफ टैग भी बना सकता हूँ, इसको मैं डिप टैग भी बना सकता हूँ। जस्ट बाय एडिटिंग वन टैग, ओपनिंग क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली एडिट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं क्लोजिंग टैग के अंदर आ जाऊँ, तो अगर मैं इसको पैराग्राफ बनाऊँ तो ओपनिंग टैग भी ऑटोमेटिकली पैराग्राफ का टैग बन गया। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है कोड फास्टर करने के अंदर, क्योंकि आपको बार बार अपना कोड टैग जो है वो रीनेम नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट एक जगह करें तो नेक्स्ट आपका जो टैग होगा उससे रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सटेंशन नंबर टॉप 3 के अंदर, हम पहुंच चुके हैं और अब हम एक्सटेंशन नंबर 3 को रिव्यू करेंगे कि हमारी एक्सटेंशन नंबर 3 रैंकिंग के मुताबिक कौन सी है। सो नंबर 3 के ऊपर एक्सटेंशन जो हमने रखी है वो है GitLens। GitLens इज अ VS कोड एक्सटेंशन दैट सुपरचार्जेस योर गिट कैपेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग एनहांस्ड विजुअलाइजेशन ऑफ कोड, ऑथरशिप, रिपोजिटरी नेविगेशन एंड मोर डायरेक्टली विद इन योर एडिटर। कि VS कोड के अंदर ही जिस तरह के GitHub और GitLab या Git टेक्नोलॉजी एक बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी है जब भी आप कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, तो GitLens क्या करती है कि आपके VS कोड के अंदर ही बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर देती है जिससे आप अपनी रिपोजिटरीज को मैनेज कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। और इसको हम आप VS कोड के अंदर देखेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके क्या क्या यूज केसेस हैं बेसिकली। सो इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्सटेंशन के टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे GitLens। GitLens की हम यहाँ पे इस लोगो वाली एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे और देन हम इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। एक्सटेंशन के इंस्टॉल होने के बाद हम देख नोटिस करेंगे कि हमारी साइड पैनल के अंदर दो मुख्तलिफ हमारे पास और टैब्स हमारे पास आ गए हैं। तो बेसिकली अगर हम इस टैब को ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरह के फाइल हिस्ट्री है, विजुअल फाइल हिस्ट्री है, तो हम यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। इन तमाम को वर्क थ्रू करने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हर किस्म का ऑप्शंस है। हमारे पास क्लाउड पैचेस हैं, हमारे पास गिट क्रैकन का यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फाइल हिस्ट्री को भी रिव्यू कर सकते हैं इधर अपनी। अगर हम कोई ऐसी फाइल खोलें जिसकी कोई गिटहब की हिस्ट्री हो, सो बेसिकली हम GitLens यहाँ पे खोल लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फाइल की जो भी हमने ओपन की है कितनी सारी हमारी जो के फाइल चेंजेस हैं और कितनी हमने कमिट्स की हुई हैं इस तमाम की। और यहाँ पे अगर फाइल हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि कितनी कितनी हमने कमिट्स की थी इसके अंदर, ये तमाम फाइल हिस्ट्री जो भी हमने इसके अंदर चेंजेस किए थे और इसको कमिट किया था, तो वो तमाम की हिस्ट्री यहाँ पे शो करवा रहा है। और ये इसकी विजुअल फाइल हिस्ट्री है कि हमने किस डेट के मुताबिक बेसिकली 3 मंथ्स के अंदर कितने चेंजेस इस फाइल के अंदर आए हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसके अंदर बहुत पावरफुल एक्सटेंशन है GitLens। आपको GitHub बेसिकली बहुत पावर दे देती है GitHub को यूज़ करने के लिए। आप तमाम अपनी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने कोड की, अपनी हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, गिट कॉमिट्स कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन थी। अब हम टॉप 2 की तरफ जाएंगे, नंबर 2 पे देखेंगे हमारी एक्सटेंशन कौन सी मौजूद है। तो नंबर 2 पे हमारे पास मौजूद है एक्सटेंशन लाइव सर्वर। द लाइव सर्वर VS कोड एक्सटेंशन लॉन्चेस अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर विद लाइव रीलोड कैपेबिलिटी इनेबलिंग इंस्टेंट अपडेट्स टू HTML, CSS एंड JavaScript इन द ब्राउजर एज यू एडिट। फॉर एग्जांपल हम जैसे अब वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम HTML और CSS या JavaScript का कोड लिख रहे हैं,
तो लाइफ सर्वे एक्सटेंशन क्या करती है कि हमारे कोड को ऑटोमेटिकली सेव करती है, देन ब्राउजर के ऊपर रेंडर कर देती है। बार बार हमें उस ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे लिए लाइव सर्वर हमारे लिए एडिट कर देती है। जिस तरह के एक ओरिजिनल लाइव सर्वर होता है कि आप अगर आपका कोड सर्वर के ऊपर हो तो आप जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी पूरी फाइल को रिटर्न कर दिया जाता है। इसको नंबर टू पे इस वजह से रखा गया है क्योंकि बहुत यूजफुल टूल है ये हमारे डेवलपर्स के लिए कि बार बार पेज को रीलोड ना करना पड़े, जस्ट एक ही बार आप अपने जो आपकी फाइल है उसको सर्व कर दें लाइव सर्वर के थ्रू, देन आप अपने ब्राउजर के अंदर जस्ट जैसे ही आप कोड को एडिट करेंगे आपके ब्राउजर के अंदर चेंजेस डिस्प्ले ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसको अब हम देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है और इसको यूज कैसे करना है। सो इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने एक्सटेंशन के टैब पे आ जाएंगे, देन हम यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर, और लाइव सर्वर पहली एक्सटेंशन है और इसको आपने इसका लोगो देख के, क्योंकि यहाँ पे एक और भी मौजूद है सिमिलर लोगो है लेकिन आपने इस लोगो के साथ सिमिलरली इसको जो ये लोगो है इसको इंस्टॉल करना है। और हम यहाँ पे अब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आफ्टर एक्सटेंशन जब हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी तो हमारे पास एक नीचे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस टैब के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है गो लाइव का। तो जैसे ही हम किसी भी अपनी फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे, या हम राइट क्लिक करके यहाँ पे भी ऑप्शन है हमारे पास ओपन विद लाइव सर्वर का, और इसका जो शॉर्टकट है Alt O Alt L Alt O, तो इसको भी हम क्लिक करके शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, या हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करने का, या हमारे पास यहाँ पे क्लिक करने का है। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास एक लोकल हमारे कंप्यूटर के अंदर ही एक सर्वर ऑन हो जाएगा जो कि ब्राउजर के अंदर हमारे इस जो भी हमारा पेज होगा उसको रेंडर कर देगा। अब हम देखेंगे हमारी नंबर वन एक्सटेंशन कौन है हमारी लिस्ट के ऊपर, जो मोस्ट यूजफुल एक्सटेंशन है इस वक्त वीएस कोड के लिए, उसको हम अब देखेंगे। सो नंबर वन एक्सटेंशन हमारी जो वीएस कोड के लिए है वो है गिटहब कोपायलट। सो गिटहब कोपायलट वीएस कोड एक्सटेंशन प्रोवाइड्स एआई पावर्ड कोड सजेशंस एंड कंप्लीशंस असिस्टिंग डेवलपर्स इन राइटिंग कोड फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। सो गिटहब कोपायलट बेसिकली एक पेड एआई एक्सटेंशन है, तो ये एक आपका एआई पावर्ड एक आपका रोबोट आपके लिए वीएस कोड के लिए है, जो कि आपका अपना कोड आप इसको बता सकते हैं और ये आपके कोड को सजेशंस देता है, और आपको ऑटोमेटिकली आप अगर जब कोड राइट कर रहे हो तो ये आपको कोड कंप्लीशंस करवाता है और आपका कोड सजेस्ट करता है कि आपका नेक्स्ट कोड जो आप लिखने वाले हैं वो ये हो सकता है। तो देन जस्ट आप टैप करके उस कोड को आप अपना एंटर कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। एक्सटेंशन पेड है, बाकी जितनी भी अभी तक बताई हैं सब फ्री थी, ये वाली पेड है। तो इसके लिए अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करनी हो तो रिकमेंड करेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि गिटहब कोपायलट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एक्सटेंशन, क्योंकि अभी तमाम एआई पे चल रहा है सब कुछ और एआई पे शिफ्ट हो जाना है सब कुछ, तो एआई वाली एक्सटेंशन गिटहब कोपायलट इज वेरी वेरी गुड। सो इसको इंस्टॉल करने का अभी हम तरीका देखेंगे कि वीएस कोड के अंदर इसको इंस्टॉल कैसे करना है। हम अपने एक्सटेंशन के अंदर इसको यहाँ से हम इसको लिख के इसको सर्च कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो आपका मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेनी है। मैं अभी इनेबल कर लेता हूं, जस्ट मेरी डिसेबल थी। देन आपसे ये लॉगिन का कहेगा, आपने इस पे लॉगिन कर लेना। अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर इसको बाय किया हुआ तो ये वर्क करेगा, अगर आपने बाय नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा। इसको इन एक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सजेशंस बेसिकली हमें कैसे देता है। अगर मैं यहाँ पे एक डिव के लिए कुछ सीएसएस लिखना शुरू करूं, लाइक मैं यहाँ पे जस्ट कुछ मार्जिन दे दूं, और यहाँ पे आप मेरी सजेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने मार्जिन 10 पिक्सल दी है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मैं पैडिंग भी 10 पिक्सल दे दूं। मैं जस्ट टैब लेके इसको मैं यहाँ से कोड को ला सकता हूँ। अगर मैं न्यू लाइन पे जाके वेट करूँ हल्का सा तो अब ये मुझे बॉर्डर की सजेशन दे रहा है कि डिव के ऊपर बॉर्डर भी होना चाहिए। इसी तरह अगर एक और न्यू लाइन पे अगर थोड़ा सा वेट किया जाए तो अब बैकग्राउंड कलर की ये सजेशन दे रहा है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ सजेशंस कोड के अंदर देता जाता है,
तो जो आपको अपनी इसकी सजेशन अच्छी लगे वो आप इसको टैब दबा के एंटर कर सकते हैं। जो सजेशन आपको समझ में ना आए जस्ट आप उसको ओवरराइट अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन भी है कि यहाँ पे आपको ये साइड पैनल के ऊपर एक चैट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ये एक आपके पास आ जाएगा चैट का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ भी कह सकते हैं, जिस तरह आप बाकी AI मॉडल्स को कह सकते हैं इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी अगर कुछ भी एंटर करेंगे तो ये आपको यहीं से आंसर करेगा। कोड के रिलेटेड है, इसके आंसर बेसिकली काफ़ी अच्छे होते हैं कोड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इसको कोई भी आंसर अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको फौरी उसका आंसर दे देगा, कोड दे देगा आपको उसका। तो ये थी हमारी टॉप 10 विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें वीडियो को और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।